Hockey coach Merzban Patel, who got the prestigious Dronacharya Award for his grassroots work, says the award has come to him early. The 69-year-old Patel, better known as Bawa in Mumbai hockey, who has nurtured a few future Olympians at a young age, also feels that he was more of a mentor to the upcoming players. He has, in his three-decade career as a coach, mentored Olympians Adrian D'Souza, halfback Viren Rasquinha and other internationals like the Walmiki brothers, Devendra and Yuvraj. Patel, along with Rambir Singh Khokhar, Kabaddi, and cricket coach Sanjay Bhardwaj, will be conferred with the Dronacharya Award at the Sports Awards ceremony in New Delhi next week. Bawa said he followed this mantra to have become a successful grassroots coach, although he had played hockey only at a modest level. He credited Bombay Republican founder Balramakrishna Mohite, who was running his club with his own money, for giving him an opportunity to start his career. मैं एक्सपेक्ट तो ऐसा ज़्यादा करके कर नहीं रहता था लेकिन मेरे को एक ये था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा क्योंकि जो मैंने हार्डवर्क किया है जो मैंने 6-5 ओलंपियन को लाया है हज़ारों जन को नौकरी दिया है और हज़ारों जन स्टेट लेवल में खेला है वगैरह वगैरह इतना अचीवमेंट्स है ना क्या मैं सोचा कि अगर अप्लाई करेगा तो चांसेस अच्छा है लेकिन उम्मीद कमती थी बिकॉज आपको तो मालूम है द्रोणाचार्य और इसके अवार्ड के लिए कितने सब अंदर झगड़े चलते हैं और वो तो जब मुझे अनाउंस हुआ तो मेरे को सरप्राइजिंग लगा लेकिन इतना सरप्राइजिंग भी नहीं लगा क्योंकि मेरा क्राइटेरिया इतना स्ट्रांग था क्या मेरे को नहीं लगता है कोई और कोच का क्राइटेरिया इतना स्ट्रांग रहेगा तो इसी के बारे में सरप्राइज था थोड़ा बहुत लेकिन ऐसा मैं महसूस करता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये अवार्ड मिलेगा लेकिन ये साल मिला वो बहुत अच्छी बात हो गया क्योंकि अभी एज हो गया तो एक दो साल के बाद मिलते थे तो उसमें ब्यूटी नहीं रहती था तो अभी मिला वो बहुत अच्छी बात है और हॉकी के लिए अच्छी है बॉम्बे हॉकी के लिए बहुत अच्छी बात है क्या मुंबई का एक आदमी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहे हैं उससे बड़ा बात क्या हो सकता है देखो ऐसे तो मुझे बहुत से अवार्ड मिले अच्छे अवार्ड मिले लेकिन ये अवार्ड ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये अवार्ड अपना प्रेसिडेंट साहब से इंडिया का प्रेसिडेंट साहब से ले रहे हैं राष्ट्रपति भवन में तो इसी बारे में तो ये अवार्ड सबसे बड़ा होना ही चाहिए जो कि बाकी के अवार्ड भी अच्छे ही थे लेकिन अभी जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रहे हैं राष्ट्रपति भवन में और इतना सब हार्डवर्क का जो नतीजा था वो मिल रहा है इसीलिए अवार्ड स्पेशल है मुझे ये अवार्ड को मैं बाकी के सब अवार्ड एक ही गिना जाता है क्योंकि सभी अवार्ड मेरा हार्डवर्क और इसके बारे में मिला है तो इतने अवार्ड में एक एक अवार्ड और ऐड हो गया थोड़ा स्पेशल हो गया क्योंकि राष्ट्रपति भवन में मिला है बाकी तो सब अवार्ड जो बाकी के मिले स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अवार्ड शिव छत्रपति अवार्ड वगैरह और से रिलायंस अवार्ड और बहुत से अवार्ड मिला है तो वो भी अवार्ड सब अच्छे ही काम के थे ये थोड़ा स्पेशल हो गया राष्ट्रपति भवन में मिल रहा है इसीलिए हाँ वो दिन तो मेरा न्यू ईयर था एक्चुअली लेकिन मैं तो बरसों से न्यू ईयर कभी सेलिब्रेट नहीं करता पार्सल न्यू ईयर मैं इधर ही BHM में लड़के लोग के साथ था तो मुझे एक एक्स प्लेयर का फ़ोन आया क्या ऐसा उसने देखा किधर सुना मुझे भी नहीं पता बोला ऐसा ऐसा सुना क्या आपको अवार्ड मिल रहा है करके तो मैं बोला अच्छी बात है मैं बोला कंफर्म न्यूज़ बाद में कंफर्म न्यूज़ तो टीवी पे आया सब और ऐसा ही इधर उधर से बात मालूम गिरे ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोल सके जिसके वजह से अवार्ड मालूम गिरा जनरल में मालूम गिरा ऐसा हमारे सब लड़के लोग के साथ जो हमारे खिलाड़ी लोग हैं जो हमारे अभी साथ में हम लोग जो बॉम्बे रिपब्लिकन्स क्लब को खेल रहे ले हमारे कोचिज के साथ और BHA ऑफिशल्स के साथ मुंबई हॉकी ऑफिशल्स के साथ और जो पुराने ओलंपियंस जो हमारे होके गए 5-6 उनके साथ ये सब के साथ शेयर किया मैसेज यही देना चाहूँगा क्या देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क
and sincerity, honesty, and सबसे ज़्यादा बात है कि कोई प्लेयर में कितना भी टैलेंट है, ध्यानचंद का टैलेंट भी होएगा, लेकिन अगर वो प्लेयर के पास फोकस नहीं है, फोकस इन द सेंस क्या, हॉकी के सिवाय पढ़ाई छोड़ के और कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, अगर वो चले गया तो उसका आधा गेम ख़त्म हो गया। तो इसीलिए जो फोकस जो चीज़ है जो मैं लड़के लोग का दिमाग में डालता है हमेशा कि अगर आपको प्लेयर बनना ही है तो फोकस, आप फोकस करो गेम पर, जैसे सचिन तेंदुलकर था, ईट ड्रिंक एंड स्लीप हॉकी अपार्ट फ्रॉम स्टडी, ऐसा तुम एटीट्यूड फॉलो करेगा तो फिर तुम आगे जाएगा, उसके साथ ऑफकोर्स आपका मेहनत भी तो चाहिए। हाँ, कैरियर से तो मैं देखो, मैं कोई बड़ा कोच नहीं है, ना मैं कोई बड़ा हॉकी खेला है, गली हॉकी खेला है तो बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मैं यहाँ रेलवे क्वार्टर कॉलोनी में भाईकला में रहता था, वह एक पुराना प्लेयर था जीआईपी रेलवे का, मुनीर खान, वो बहुत बढ़िया प्लेयर था उस टाइम का, भले इंडिया नहीं खेला लेकिन बहुत इंडिया का फेमस प्लेयर था, उसके दो लड़के भी बहुत अच्छे थे और वो हमारे क्लब जो है मुंबई रिपब्लिकन स्पोर्ट्स क्लब उसी के लिए खेल रहे थे, तो उनका मैचेस में देखने को जाता था, उसी के वजह से मेरा कांटेक्ट हो गया, वो जो चलाता था मिस्टर बलराम कृष्ण मोहिती, वो इतना बड़ा आदमी था क्या, इतना दिलदार था क्या, 50 रुपये में से आपको 45 रुपीज़ देता था, लेकिन देखता था कि आपको सब कुछ मिलता है, उसी के वजह से उसको हेल्प करते करते एक साल, दो साल, तीन साल, 10 साल, 15 साल मैं खुद वो कोचिंग का ये पकड़ लिया, फिर मेरे में भगवान ने एक इंस्टिंक्ट दिया था, वो तो मैं एक आदमी एक प्लेयर को देख खड़ा रह के देख के उसका रनिंग स्टाइल देख के मैं पहचान जाता था क्या ये प्लेयर बहुत आगे जाता है, और यही नतीजा से मैंने ये 5 ओलंपियन और इतने प्लेयर को प्रोड्यूस किया। बावा तो पारसी लोग को मोस्टली सब लोग बावा ही बुलाते हैं, ये तो पूरा मुंबई में मालूम है सबको, और हॉकी सर्कल में कोई पारसी तो कभी था नहीं, तो पूरा नाम बुलाने से बावा ही नाम बढ़ गया, कोई कोई जन स्कूल में सर बुलाता है लेकिन मोस्टली सब लोग बावा से नाम से, BHM में सब बाजू बावा का नाम से ही जाना जाता है। मैं ऐसा फेवरेट हॉकी प्लेयर तो ऐसा दिखने जाएगा तो बहुत से जने, पहले के प्लेयर को हमने देखे नहीं, बलबीर सिंह, ध्यानचंद और वगैरह वगैरह बहुत से जन, बलबीर सिंह अभी भी जिंदा है, 98 ईयर्स, 4 ओलंपिक खेला है, और अभी के प्लेयर में धनराज पिल्ले है वगैरह है, ऐसे तो बहुत प्लेयर है, अभी अपन कंपैरिजन, हर प्लेयर का टेक्निक अलग रहता है, हर प्लेयर का बात अलग रहता है, तो अभी का तो लेटेस्ट में है धनराज पिल्ले। इंडियन हॉकी टीम के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता है क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा खेलते देखा नहीं, टीवी पे देखा है, और टीवी पे जजमेंट नहीं होता है, लाइव देखने का वजह, जैसा लाइव देखा जाता है वैसा टीवी पे जजमेंट नहीं होता है क्योंकि वो बात ही अलग हो जाता है, लाइव देखता है आप तो पूरा ग्राउंड दिख सकता है, टीवी में जिधर बॉल है उधर ही दिख सकता है, और दूसरी बात नो डाउट देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अपना हॉकी में बहुत सही इम्प्रूव हुआ, पहले हम लोग 4-5 गोल से हारते थे, अभी 2-1, 3-1, 3-2 हारते हैं, और एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि हमेशा हम लोग लास्ट 2 मिनट में क्यों गोल खाता है, ये तो इंडियन हॉकी कोच को भी नहीं मालूम होगा कि क्यों होता है करके।